दोस्तों, आप फेसबुक तो चलाते होंगे। फेसबुक चलाने के बाद क्या होता है कि कभी कभी मुझे ये प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया थंबनेल में। अगर आपके पास अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उसे आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं पूरी प्रोसेस में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये प्रॉब्लम तभी आते हैं जब आप किसी को ब्लॉक करते हैं, मतलब दोनों फ्रेंड्स में, जैसे कि मेरे पास इधर भी फ़ोन है और इधर भी फ़ोन है, दोनों तरफ से मैं ब्लॉक करता ब्लॉक जो है मैसेंजर से, वहाँ पे ब्लॉक के दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक मेरा ओपन हो चुका है, उसके बाद मैं जाता हूँ मैसेंजर पर। तो मैसेंजर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और मैसेंजर पर क्लिक करने के बाद मेरा मैसेंजर यहाँ से ओपन हो चुका है। और उसके बाद जैसे कि मान ले सकते हैं किसी एक फ्रेंड्स को लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, सोनल मेहता इसको ले लेता हूँ, ठीक है। इसको लेने के बाद जो इसको मैं ले लिया और उसको मुझे मतलब मैसेज करके ये परेशान कर रहा है, ये मुझे मैसेज करके परेशान कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल से इसका प्रोफाइल पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद इसे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ मिलेगा आपको इस 3 डॉट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करेंगे और उसके बाद डिलीट करेंगे, तो आप यहाँ से जो भी चैट किए हैं डिलीट हो जाएगा, लेकिन फिर आ जाएगा वही चैट। सबसे पहले आप नीचे देखेंगे, सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ब्लॉक ऑप्शन, ठीक है। तो ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट नंबर का देख सकते हैं ब्लॉक मैसेंजर एंड कॉल, ये जो अगर आप फर्स्ट नंबर का ब्लॉक करते हैं तो आपको मैसेज जो करेगा मैसेज पे ही ब्लॉक होगा, आप मैसेज या कॉल आपको नहीं करेगा। जैसे कि मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए, तो मैं इसको ब्लॉक पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ब्लॉक हो चुका है, अब इसको अनब्लॉक करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो वो मुझे जो मैसेज नहीं कर सकता, ना तो मेरे स्टोरी पे वो कमेंट कर सकता है, ठीक है, ना तो मुझे मैसेज कर सकता है, ना तो मेरा स्टोरी पे कमेंट कर सकता है। जब मैं इसको ब्लॉक से हटाऊंगा तभी वो मेरा स्टोरी पे भी कमेंट कर सकता है, मतलब ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। अगर मैं इसको फेसबुक से ब्लॉक कर देता हूँ तो फेसबुक से ब्लॉक करने के बाद इसको मेरा प्रोफाइल शो नहीं करेगा, कहीं नहीं इसको मेरा प्रोफाइल शो करेगा। अगर ये दूसरे का आईडी से मेरे प्रोफाइल खोजे तो इसको मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको फ्रेंड से पहले निकाल दीजिए, फिर से इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, ठीक है। अगर आप इसको ब्लॉक करते हैं तो आपको आईडी नहीं मिलेगा, इस आईडी का यूजर आईडी भी मिल जाएगा, यूजर नेम भी मिल जाएगा, फिर भी इसका आईडी आप नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सा प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो को कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, और आप सभी का मैं रिप्लाई देने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।